ये अलग तरीके से मैसेज दिखा रहा है तुम लोग के पास रिकॉर्डिंग का मैसेज किया है देख लो तो और स्क्रीन yes, तो? ये आज अलग तरह से मैसेज आ रहा है कुछ तो अपडेट हो गया होगा नहीं तो ऐसा नहीं आता है आ, हाँ तब इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक है अच्छा देखो हम लोग कंपनी अकाउंट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया है आज बहुत सारा लेंदी चैप्टर हम लोगों ने किया जो कि लगातार चलते रहता है आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर करेंगे ठीक है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ये शायद तुम लोग के बीकॉम बी कॉम में भी हो सकता है अगर सी है तो आ, बाकी तो मुझे दूसरे यूनिवर्सिटीज का नहीं पता ठीक है अगर सी का है तो मे बी मतलब सी का तो कंफर्म है कि होता है फर्स्ट सेम में बाकी मुझे नहीं पता तो ये देखो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बहुत ही आसान सा चैप्टर है और एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है ठीक है तो ये देखो यहाँ पर दे दिया है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ये आज के डेट पे अगर देखो ना तो ये बहुत ही कॉमन चीज हो गया है ठीक है गुड इवनिंग सुबीर गुड इवनिंग मैम अच्छा तो देखो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें देखो ये आज के डेट पे एक बहुत ही कॉमन चीज है सेल ऑफ गुड्स इसका मतलब समझो कि हम लोग गुड्स सेल करेंगे अगर हम लोग सेलर है तो ठीक है लेकिन कैसे देखो नॉर्मली अभी तक हम लोग को पता होता है कि हम लोग किस तरह से गुड सेल कर सकते हैं एक क्रेडिट में बेच दो या कैश में बेच दो पहले तो हमें यही सिखाया जाता है ना इलेवन में तो हमें यही सिखाया जाता है कि कितने तरह का सेल होता है कैश सेल क्रेडिट सेल लेकिन ये नया चीज है नया मतलब क्या तुम लोग को पता है ये क्या होता है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस अप्रूवल और रिटर्न बेसिस इसका मतलब जैसे आज के डेट पे तुम लोग अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखो जैसे ऑनलाइन में जैसे फ्लिपकार्ट Amazon ठीक है मिंत्रा या जो भी जहां से भी तुम लोग कुछ भी खरीद रहे हो चाहे बुक खरीदो चाहे ड्रेस खरीदो आ, कुछ भी ठीक है तो यहाँ पर एक रिटर्न पॉलिसी रहता है जैसे मान लो कि एक तुम लोगों ने ड्रेस खरीद लिया ठीक है उसका मान लो ऐसे रहता है कि 15 डेज रिटर्न पॉलिसी मतलब 15 डेज के अंदर तुम लोग चाहो तो उसे रिटर्न कर सकते हो ठीक है मतलब पेमेंट करके ले लिया अब 15 डेज बाद रिटर्न कर सकते हो अगर 15 डेज क्रॉस कर जाएगा क्या रिटर्न कर पाओगे सोचो अगर रिटर्न पॉलिसी में लिखा हुआ है कि परचेज डेट के बाद फिफ्टीन डेज के अंदर तुम लोग को रिटर्न करना है तो फिफ्टीन डेज अगर क्रॉस हो जाता है तो रिटर्न नहीं कर पाओगे मतलब अगर रिटर्न करना है तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न करना होता है ठीक तो है, है मतलब अच्छा तो इसको हम लोग बोलते हैं लेकिन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि साल दो साल रख लेंगे उसके बाद रिटर्न करेंगे तब तो दुकानदार का लॉस है ना जिससे भी हम लोग परचेस करें जैसे फ्लिपकार्टिंट्राइस इसमें भी तो बहुत सारे सेलर अपने आपको लिस्टेड रखते हैं ना फिर वो क्या होता है डिलीवरी कंपनी के थ्रू से हमारे पास आ जाता है है ना तो उसी तरह से तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ये पहले लेकिन कस्टमर के साथ नहीं होता था सोचो ना जब ऑनलाइन नहीं था कोई ऐसा करता था कि पैसा रिटर्न कर देगा ऐसा कभी हम लोगों ने मतलब आ,

रिटर्न कर दिया हम लोगों ने और पैसा भी मिल गया ये चीज पहले नहीं होता था एटलीस्ट कस्टमर के साथ नहीं होता था लेकिन सेल ऑफ रिटर्न बेसिस पहले के टाइम पे भी होता था तो वो किन के साथ होता था ट्रांजेक्शन एक्चुअली वो पहले होता था मैन्युफैक्चरर के साथ रिटेलर का या होलसेलर के साथ रिटेलर का होता था जैसे मान लो कि कोई रिटेलर है ठीक है मान लो रिटेलर का ग्रोसरी शॉप है तो ग्रॉसरी शॉप वालों के पास तो कितने सारे आइटम्स होते हैं ना फूड आइटम्स होते हैं कॉस्मेटिक्स होते हैं वो तो बहुत सारी चीज मतलब जैसे सोप वगैरह शैम्पू वगैरह मैगी चिप्स ठीक है इसके अलावा दाल चावल कितना सारा चीज होता है तो जैसे मान लो कि मैगी बहुत पुराना नूडल्स है ठीक है अब नया कोई नूडल्स आ गया तो वो वो कंपनी रिटेलर को अप्रोच करती है ना मैन्युफैक्चरर की देखिए हमारा ये नूडल्स है आप रखिए तो रिटेलर हमेशा रखना चाहता है ऐसा जरूरी नहीं होता क्योंकि उसको डर लगता है ना कि नया चीज मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा देखो नया नूडल्स आ गया मैगी पॉपुलर है ठीक है एक एग्जाम्पल दे रहे हैं मैगी पॉपुलर वैसे बहुत सारा नूडल्स पॉपुलर है आज के डेट पे फिर भी लोगों को शायद ज्यादा मैगी पसंद है मुझे उतना नहीं पता लेकिन जितना

थ्री मंथ्स बाद आएंगे फॉर एग्जाम्पल हम थ्री मंथ्स या टू मंथ्स या वन मंथ्स बाद आएंगे मान लो जो भी बोला उन्होंने कि आप ये रखिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा वन मंथ बाद आके देखेंगे अगर आपने ये बेच दिया तो ठीक है मतलब मार्केट में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया बेसिकली आपके थ्रू से लॉन्च हो गया या फिर मैंने और भी जगह पे अप्रोच कर रखा है तो मेरा प्रोडक्ट का एक मार्केटिंग हो रहा है धीरे धीरे ये भी मार्केट पकड़ लेगा अगर नहीं बिका तो हम वापस लेके चले जाएंगे तो ये क्या था ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर नॉर्मली अगर वो बना के लेके आए अपने फैक्ट्री से तो वो मैनुफेक्चर क्चर है ठीक है या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद रखा है तो होलसेलर है तो ये पहले जो सिस्टम था ना सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ये पहले होलसेलर और रिटेलर या फिर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के अंदर था लेकिन आज के डेट पे ना ये देखो आज के डेट पे इन करेंट सिनेरियो दिस प्रैक्टिस इज प्रेन्ट इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जैसे मैंने पहले ही तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया ये आराम से आजकल तो मेडिसिन भी रिटर्न हो सकता है मान लो मेडिसिन भी रिटर्न हो सकता है हाँ कुछ कुछ ऐसा चीज है जो कि अभी भी नॉन रिटर्नेबल है मतलब बहुत ही सोच समझ के तुम लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा ऐसे भी चीज होते हैं अगर मतलब अगर मतलब, मतलब नॉन रिटर्नेबल है तो वो किसी तरह से रिटर्न नहीं होगा वो अलग बात है लेकिन मैक्सिमम चीज जो है रिटर्न जैसे मान लो एक लैपटॉप भी खरीदा फिर लगा कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है या फिर ये स्मूथली नहीं चल रही या एक बैग खरीदा रिटर्न कर दो ठीक है लेकिन हाँ उसको उस, वो जो गुड्स है ना उसका कंडीशन वैसा होना चाहिए ऐसे नहीं कि हम लोगों ने उसको मतलब ऐसे देखा मतलब तोड़ फोड़ दिया या कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया या फिर कुछ कट वगैरह हो गया हम लोगों से तो वो रिटर्न नहीं लेंगे एज इट इज गुड्स रहेगा तो वो रिटर्न लेके जरूर जाएंगे ठीक है तो वही चीज बोल रहा है आज के डेट पे वेयर द बायर बायर इज गिवन टाइम ऑफ फ्यू डेज टू रिटर्न ऑफ गुड्स इफ द दायर बिलीव द स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सेम मेंशन ऑन वेबसाइट एट द टाइम ऑफ सेल अब रिटर्न अलग-अलग मतलब रीजन हो सकता है अगर कभी रिटर्न किए हो तो देखो वहां पर बहुत सारा ऑप्शन रहता है आपने रिटर्न इसीलिए किया क्योंकि ये जैसे एक रीजन दिया स्पेसिफिकेशन वैसा नहीं है जैसा हम लोगों ने वेबसाइट में देखा था या फिर साइज का इश्यूज हो सकता है जैसे मान लो कुछ शूज uh, वगैरह ले रहे हो या फिर कुछ भी ले रहे हो तो मान लो साइज का इशू हो सकता है ड्रेस वगैरह ले रहे हो तो भी साइज का इशूज हो सकता है तो अलग अलग इशूज होते हैं कलर इशू या फिर मान लो क्वालिटी इशू हो सकता है कि जैसा दिख रहा था वैसे क्वालिटी का नहीं है या कलर में थोड़ा सा चेंजेस वही यार स्पेसिफिकेशन जैसा था वैसा नहीं दिखा हमें तो हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं दियर मे बी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन टू एडमिनिस्ट्रेट द रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब एक टर्म्स कंडीशन होगा ऐसा नहीं कि दूसरे का चीज हम लोग तोड़ फोड़ देंगे और रिटर्न करेंगे अनएथिकल होता है ऐसा करना ही नहीं चाहिए तो वो रिटर्न नहीं होगा ठीक है फॉलोइंग आर एसेंशियली द फीचर्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस तो बोल रहा है क्या क्या फीचर्स है और देखो कोई अगर चाहेगा ना तो तोड़ फोड़ के रिटर्न भी नहीं कर सकता है पता है क्यों क्योंकि जब हर एक गुड्स पैक होके डिलीवरी के लिए निकलता है ना उत, उसका पूरा वीडियो वगैरह होता है जैसे मान लो एक बार मेरे साथ हुआ था तो उसमें क्या हुआ था मैंने कुछ और चीज ऑर्डर किया था कुछ और ही आ गया सेम कैटेगरी में ठीक है तो उसमें क्या होता है ना तो फिर ऐसा डर लगता है क्या पता वो रिटर्न लेंगे ना लेंगे ऐसा हो जाता है मतलब ऑर्डर में भी मैंने जो किया वो नहीं आया बाई चांस कुछ गलत हो गया लेकिन उनके पास पूरा रिकॉर्डिंग रहता है वो रिकॉर्ड

अच्छा अब देखो तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स 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 सोल्ड सोल्ड टू कस्टमर इज ट्रीटेड एज सेल्स इमीडिएटली द आर जब सेल सेल होता है तो उसे sale बोल के ट्रीट करते विद कॉरिस्पॉन्डिंग रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल बींग रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली जब नॉर्मल सेल होता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं हम लोग ऐसा एंट्री करते हैं देखो कैश टू सेल करते हैं अगर कैश सेल हुआ डेटर टू सेल करते हैं अगर क्रेडिट सेल्स हुआ और उसके बाद उसे पीएल में ट्रांसफर करते हैं बेसिकली जो ये सेल्स है वो ट्रेडिंग में जाता है तो आजकल तो ट्रेडिंग एक साथ होता है, तो इसका कुछ इस तरह से होता है, and and account, है ना? तभी तो सेल बोल के कितना रिकॉर्ड करते हो जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेल करके हाउ एवर वेन ए बिजनेस वॉन्ट्स टू इंक्रीज द सेल अब कोई सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे क्यों आना चाहेगा या तो उसका नया प्रोडक्ट मार्केट में उसे लॉन्च करना है ठीक है या फिर हो सकता है उसे अपना सेल इनक्रीस करना है ठीक है तो वो अलग-अलग जगह पे जाके अप्रोच कर सकता है अलग-अलग रिटेलर -अलग को कि मेरा चीज रखिए रख के बेच के देखिए ऐसा हो सकता है या फिर ये देखो ये ऑनलाइन कंपनी ऑनलाइन कंपनी आने के पहले क्या मार्केट में ये सारा चीज नहीं मिलता था जो ऑनलाइन में बिक मिलता था लोग पहले डरते थे ऑनलाइन से नहीं खरीदेंगे क्या पता पैसा देंगे क्या हो जाएगा ऐसा लोगों को डर लगता था तो इनका मार्केट में आना इतना आसान नहीं था ठीक है तो इन्होंने मतलब अलग अलग पॉलिसीज लगाया ना सबसे मेन पॉलिसी ये हो गया रिटर्न वाला देखो ये कितना अच्छा कस्टमर को ऐसा बेनिफिट कभी नहीं मिला था कि हम लोग फिफ्टीन डेज टेन डेज सेवन डेज रखने के बाद हमें पैसा ही रिटर्न मिल जाएगा ऐसा फैसिलिटी तो बिल्कुल नहीं था ठीक है तो ये वाला देखो एक मतलब इनका मार्केट में आने का नया एक तरीका हो गया तो ये जो न्यू प्रोडक्ट जो है न्यू प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाना है तो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ तो ऑनलाइन कंपनी ही अपना पैर जमा चुकी है इस तरह से ठीक है ही फेसेस हार्डशिप ड्यू टू इन द मार्केट अब देखो नया प्रोडक्ट है तो मार्केट में कम्पिटिशन तो मिलेगा कैसे हम लोग खुद को मार्केट के कम्पिटिशन के साथ टिकाए रखे तो कुछ अलग सोचना चाहिए तो यहाँ पर ये एक अच्छा चीज होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस टू काउंटर इट टू काउंटर इट गुड्स आर समाइम सेम टू कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न रख लीजिए अच्छा लगा या तो वापस कर दीजिए लेकिन specified period के अंदर ठीक है तो तो ये इसके बाद वाला तो point मैंने बता दिया है कि एक्चुअली सबसे पहले तो ये कस्टमर के साथ डायरेक्टली ऑफर कभी नहीं था कि कस्टमर पैसा रिटर्न में ले जा सकता ये कम पे होता था लगभग ठीक है लेकिन ये अभी कस्टमर के लिए भी आ चुका

सेल किया जाता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है क्यों क्योंकि देखो मान लो मैंने आज 9th सितंबर को कुछ खरीदा है ठीक है मान लो 9 सितंबर को मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया या फिर एक मोबाइल खरीद लिया ठीक है अब मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे ये रिटर्न करना है तो जब मैंने खरीदा था तो मुझे पता था कि इसको रिटर्न करना है मान लो 7 डेज के अंदर ठीक है तो 7 डेज यानी कितने तारीख को हो जाएगा 16 लगभग सितंबर तो के अंदर मुझे रिटर्न करना है सपोज तो मुझे इसके अंदर रिटर्न करना है इसका मतलब जिनसे मैंने ये खरीदा है मतलब ऑनलाइन में मान लो फ्लिपकार्ड से ही खरीदा है तो वहां पर जो सेलर से मैंने ये खरीदा है उनके उनका भी एक मतलब डर है क्या डर है कि सिक्सटीन सितंबर के अंदर कभी भी रिटर्न जनरेट कर सकता है मेरा कस्टमर अगर उसे पसंद नहीं आया तो जब तक सिक्सटीन सेप्टेम्बर नहीं हो रहा है तब तक हम ये नहीं मान सकते हैं कि मेरा मोबाइल सच में बिक गया है सच में सेल हो गया है ठीक है उसको एक टेंशन रहता है क्या पता रिटर्न जनरेट कर दे क्या पता रिटर्न जनरेट कर दे अगर रिटर्न जनरेट कर दिया तो सेल नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो ड्यूरिंग द पीरियड वाला टाइम है ना यहाँ पर हम मेरे पास मोबाइल का सिर्फ पोजीशन है ओनरशिप नहीं है ओनरशिप कब आएगा जैसे ही सिक्सटीन कर जाएंगे, ठीक है तब आ जाएगा हमारे पास ओनरशिप। इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। ओनरशिप इज बायर गिव्स इज अप्रूवल और इफ़ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड मतलब या तो मैंने ऐसे जगह से परचेज किया है जहां पर मुझे अप्रूवल किसी तरह से करना है बाई मेल करके मेल करके कर सकते, है, या फोन करके कर सकते है, हाँ मुझे तो मतलब 16 रिटर्न जनरेट नहीं किया अब और रिटर्न नहीं कर पाएंगे ये मुझे रखना ही पड़ेगा फोन चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे ठीक है अगर मुझे अच्छा लगा मैंने रख लिया सिक्सटीन के अंदर किसी तरह का रिटर्न जनरेट नहीं किया तो मेरे पास पोजिशन के साथ साथ ओनरशिप भी आ गया ठीक है मतलब रखने का अधिकार ओनरशिप मतलब खुद का चीज हो गया ठीक है ओनरशिप मतलब इसमें जो है खुद का चीज हो जाएगा पॉजेशन हम लोग कोई किसी और का चीज भी रख सकते हैं मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने एक बुक दिया तुम्हें रखने के लिए लेकिन वो तुम्हारा बुक तो है नहीं क्योंकि तुम्हें उसे रिटर्न करना पड़ेगा उसने दिया है दो दिन रखने के लिए तो पॉजेशन है बुक्स रखने का बट ओनरशिप नहीं है उस बुक पे ठीक है उसी तरह से

कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर रिटर्नेबल गुड है स्पेसिफाइड टाइम में रिटर्न कर रहे हैं और गुड्स को गुड कंडीशन में रखे हैं तो जरूर रिटर्न होगा ठीक है तब तक कस्टमर का कोई भी लाइबिलिटी इनकर नहीं होगा लेकिन हाँ अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो लाइबिलिटी इनकर होगा तब तो वो रिटर्न नहीं लेगा वो रखना ही पड़ेगा हमें ठीक है अब क्या बोल रहा है देखो एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1913 रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स द सेल विल टेक प्लेस और द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन

लिया था इसलिए मोबाइल का बात कर रहे इफ इट नॉट रहेग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस और रिजेक्शन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड मतलब ये 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 तीन तीन हम 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 लोगों लोगों ने ने क्या पढ़ा पढ़ पढ़ लोग रहे हैं कि कब कब बोला बोला जाता जाता है है इस तरह के का सेल हुआ सेल हुआ ये कब बोला जाता है? पहला पॉइंट है कि अगर जो बायर है वो किसी तरह से अप्रूवल या एक्सेप्टेंस के लिए कुछ मतलब एक्ट कर रहा है ठीक है या फिर कुछ अलग एक्ट कर रहा है जिससे ये समझाया जा रहा है कि हाँ वो गुड्स खरीद रहा है या फिर अगर जो रिटर्न डेट है वो क्रॉस करके चला गया है है ठीक और कोई कोई भी भी मान लो पहले उसने अप्रूवल या एक्सेप्टेंस के लिए कुछ भी एक्ट ऐसा नहीं किया और जो डेट फिक्स किया गया था जैसे मैंने एग्जाम्पल में ऑफ सेप्टेम्बर लिया था उसके बाद मैंने सितंबर तक कुछ भी रिटर्न जनरेट नहीं किया तो वो गुड्स जो है वो मैंने परचेस कर लिया ऐसे माना जाएगा ठीक है अगर टाइम फिक्स है तो टाइम फिक्स जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर टाइम फिक्स नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम देखो एक रीजनेबल टाइम एक चीज हम लोग क्या दस महीने बाद रिटर्न करेंगे दैट इज नॉट अ रीजनेबल टाइम तो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है रीजनेबल टाइम टाइम क्या होना चाहिए अगर मोबाइल खरीदे हैं दस दिन पंद्रह दिन के अंदर तो क्या वन वीक के अंदर पसंद नहीं आया तो वो तो तुरंत पता चलता है ना कि हमें रखना नहीं है ठीक है फिर भी अगर मन में कुछ भी है तो दो तीन दिन बाद तो रिटर्न कर ही देना चाहिए तो रिजनेबल टाइम या फिर फिक्स टाइम उसके अंदर अगर रिटर्न नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग सेल मान लेंगे ये सब कहाँ लिखा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी में ठीक है तो उसका इम्पैक्ट इस चैप्टर पे आ रहा है अब देखो हम लोग को यहाँ पर दे रखा है कि हम लोग कितने तरह से सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स बेच सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये देखो ये वाला हमारा हेल्प होगा देखो हम लोग कैजुअली बेच सकते हैं फ्रीक्वेंटली बेच सकते हैं न्यूमरसली बेच सकते हैं ठीक है कैजुअली मतलब क्या होता है कभी कभार ठीक है कैजुअली का मतलब होता है अगर हम लोग बहुत ही कम मतलब मैक्सिमम कस्टमर को हम लोग कैसे सेल करते हैं मैक्सिमम कस्टमर को हम लोग नॉर्मल कैश या क्रेडिट सेल करते कभी कभार हम लोग जो है कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कर देते हैं फ्यू ठीक है Few, अच्छा और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है रेगुलरली मतलब काफी बार ठीक है काफी बार हम लोग ऐसे करते हैं रेगुलरली ठीक है और न्यूमरसली का मतलब होता है ऑलवेज मतलब हमेशा यही वाला हमारा एक मेथड है यही एक लौता मेथड है जिससे हम लोग सेल करते हैं न्यूमरसली ठीक है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलरली बेसिस पे और कैजुअली मतलब जो हो गया हम लोग का फ्यू बेसिस पे ठीक है आज हम लोग ये कैजुअली पे क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से होता है ठीक है तो जस्ट थोड़ा सा एक पॉइंट हम लिखवा देते हैं चैप्टर के हिसाब से ये देखो यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं जो वाला हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ठीक है इट मीन्स एक लाइन जैस लिखवा देते हैं इट मीन्स sending the goods to the customer with the option to retain या तो रख लो अच्छा लगा तो रख लो या रिटर्न नहीं लगा तो वापस कर दो विदिन स्पेसिफाइड पीरियड ठीक है और इस तरह का सेल कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो उसका चार्ट जो है एक बार लिख लेते हैं देखो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये मैंने अकाउंटिंग लिखा है तुम लोग पूरा चाहो तो पूरा लिख सकते हो ठीक है थीके? मैंने शॉर्टकट में लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेन गुड्स आर Send. तो थ्री टाइप्स हम लोग थ्री टाइप्स फॉलो करके गुड सेंड कर सकते हैं मतलब या तो हम लोग ऐसे सेलर है जो कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम लोग अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कैजुअली ठीक है कैजुअली यानी क्यू बोल सकते हैं कभी कभार ठीक है या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेगुलरली करते हैं रोज ही सेल कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें हम लोग मतलब नॉर्मल सेल तो करते ही है कैश क्रेडिट उसके साथ साथ हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भी करते हैं रेगुलरली करते हैं ये लोग कभी कभार करते हैं ठीक है ठीके? तो वो कैजुअली हो जाएगा तो यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंटली और यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरसली यानी कि ऑलवेज इस कंसेप्ट में ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ठीक है इसका इंग्लिश मीनिंग एग्जैक्ट उसके हिसाब से मत चलो यहाँ पर कैजुअली मतलब जब कभी कभार करता है रेगुलर बेसिस पे ही ऐसा सेल हो जाता है मतलब कैश क्रेडिट के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे ये इस तरीके का सेल होता है न्यूमरसली मतलब ऑलवेज ठीक है बहुत मैक्सिमम जो है इस तरह का ही सेल होता है तब होगा अच्छा अब अगर ऐसा होता है फ्यू होता है तो इस ऐसे सेल्स के ट्रांजैक्शन को हम लोग नॉर्मल सेल का ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे जैसे कैश टू टू सेल सेल डेटा इस तरह से ठीक है वैसे देखो कैश टू सेल्स सेल्स या डेटा टू का अगर बात आ रहा है मतलब कैश और क्रेडिट का बोल रहा है यहाँ पर हमें ना नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो कस्टमर के साथ कमी मिलेगा हमें सारा का सारा क्वेश्चन होलसेलर सेलर मैन्युफैक्चर इस तरह के रिलेशनशिप में मिलेगा मतलब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा देखो जैसे ऑनलाइन में क्या होता है हम लोग पेमेंट करते थे फिर पेमेंट रिटर्न में मिलता है लेकिन यहाँ पर हमें

ऑर्डिनरी सेल अच्छा यहां पर हो जाएगा सेल्स और रिटर्न जर्नल और डे बुक इज प्रिपेयर्ड विथ फोर कॉलम तो यहाँ पर डे बुक बनाएंगे ठीक है जैसे सब्सिडियरी बुक्स को ही तो डे बुक बोलते हैं लेकिन विथ फोर कॉलम तो ये बताएंगे कैसे होता है ठीक है आज ये नहीं आज यही वाला पढ़ेंगे लेकिन ये पूरा लिखवा देते हैं अच्छा यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर दो चीज मेंटेन होगा अगर न्यूमरसली होता है तो दो चीज मेंटेन होगा सेल्स और रिटर्न डे बुक होगा एक सेल्स और रिटर्न डे बुक और दूसरा सेल्स और रिटर्न लेजर ठीक है और इन दोनों को इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है ट्रीटेड एज मेमोरेंडम बुक्स ठीक है ये दोनों को एक कंबाइनली हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम बुक्स अच्छा यहां पर ये चार अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ठीक है ये चार कॉलम जो है यहां से देख के लिख देते हैं ये देखो यहाँ पर अच्छा पहले यहाँ एक चीज लिखवाना था ये लिख देते हैं दीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है ये ये दोनों ठीक है दीज नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का ही इस तरह से रिकॉर्डिंग होगा रेगुलर पार्ट ऑफ बुक्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं है ठीक है और यहाँ पर जो चार कॉलम होगा ठीक है यहाँ पर जो चार कॉलम होगा वो कैसे होगा देखो क्या क्या कॉलम होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल गुड्स रिटर्न गुड्स अप्रूवल फिर बैलेंस ठीक है तो ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना सारा चीज कैसे याद होगा हो जाएगा ठीक है याद करना नहीं है समझ के करना है ये चार कॉलम बनेगा ये जब हम लोग करेंगे तब देखेंगे ये दो आज नहीं कर रहे ये वाला करेंगे ठीक है अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या एंट्रीज करना होगा देखो ये देखो वेन द बिजनेस सेन्ट्स गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस तो क्या क्या एंट्री होगा वेन द ट्रांजेक्शन और फ्यू ये देखो

यहां पर लिखते हैं पहला पॉइंट पेन when, when business sends goods casually on sales or return basis, ठीक है तो ये वाला कर रहे हैं हम लोग हाँ तो क्या क्या एंट्री होगा वो जस्ट हम एक एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं ठीक है जैसे मान लो किसी का अकाउंटिंग ईयर चल रहा है इस तरह से अप्रैल से लेके जैसे मान लो फर्स्ट अप्रैल 2019 से लेके थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2020 तक ठीक है अब ये जो अकाउंटिंग ईयर मैंने बताया किसी एक बिजनेसमैन का है मान लो सोल प्रोपराइटर का है कुछ भी मानो ठीक है अब इसने पहला पहला ट्रांजेक्शन क्या किया गुड सेंड कर दिया ऑन अप्रूवल बेसिस मान लो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है उनका गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस यहां पर इस डेट पे ठीक है गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस ठीक है हम लोग एंट्री सीखेंगे तो मुझे बताओ कि यहाँ पर एंट्री क्या होगा डेट हम उतना मेंशन नहीं कर रहे ये मान लो कि पूरे साल में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि जी कोई एक पर्सन है या कोई मतलब जो भी हो सोल प्रोपराइटर हो या जो भी हो गुड्स बेचा है अप्रूवल बेसिस पे और ये कौन सा वाला है फ्यू टाइप्स ठीक है मतलब कैजुअली बेचते हैं हमेशा नहीं कभी कभार बेचते हैं तो अगर कैजुअली बेचते हैं तो वो सेल को कैसे ट्रीट करेंगे ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल तो नॉर्मल जो सेल होता है वैसे ही होगा तो अगर ऐसे बेचा है गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचा है तो सेल का एंट्री क्या होगा ये बताओ सेल का एंट्री क्या होगा सेल का एंट्री बताओ मेरा बात नहीं समझ में आया हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग किसी कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे लेकिन हम लोग ये काम हमेशा नहीं करते बहुत ही कम ऐसा करते हैं कि अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं मतलब कैजुअली लेकिन बेचा है और ऐसे करने पे इस तरह के सेल को भी अप्रूवल वाले सेल को भी हम लोग नॉर्मल सेल की तरह ही ट्रीट करते हैं तो क्या एंट्री हो सकता है ये हम पूछ रहे हैं

क्रेडिट सेल करेंगे अप्रूवल बेसिस पे कैश सेल अप्रूवल बेसिस पे जो आज के डेट पे ऑनलाइन पे होता है वो कैश सेल होता है ठीक है सेलर के तरफ से कैश सेल होता है और अप्रूवल बेसिस पे होता है हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना क्रेडिट सेल का अप्रूवल बेसिस होगा ठीक है कैश सेल नहीं होगा क्योंकि ये कस्टमर से डायरेक्टली नहीं हो रहा है एक्चुअली इस बेसिस पे ये चैप्टर पहले बना हुआ था अभी तो देखो कैश सेल पे भी हम लोगों का रिटर्न और अप्रूवल हो सकता है लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था ना तो हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे तो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या हो सकता है डेटर डेटर को यहाँ पर हम लोग क्योंकि नया नाम क्या है डेटर का ट्रेड रिसीवेबल तो देखो इंस्टीट्यूट ने हर जगह ट्रेड रिसीवेबल या डेटर या कस्टमर यूज कर रखा है तो कोई भी यूज कर सकते हो नो भी कर है, तो तुम लोग डेटर भी यूज कर हम तो एक काम करते हम छोटा नहीं तो यहाँ पर इतना जगह है नहीं होगा ठीक है मुझे पूरा चीज दिखाना है तो हम यहाँ पर कस्टमर लिख देते हैं। एक काम करते हैं ऐसे लिख देते टी आर ट्रेड रिसीवेबल नहीं तो नहीं होगा जगह नहीं होगा ट्रेड रिसीवेबल डेबिट मतलब अच्छा यहाँ पर एंट्री कौन से वैल्यू से होगा मुझे ये बोलो यहाँ पर सेल्स का एंट्री किस से होता है क्या वैल्यू होता है कॉस्ट से होता है या सेल्स वैल्यू से होता है बोलो सेल का एंट्री कैसे होगा बोलो कॉस्ट का मतलब क्या है और सेल्स का मतलब क्या होता है जैसे मैंने एक चीज सौ रुपए में खरीदा फिर उसको मैंने डेढ़ सौ रुपए में बेच दिया तो मेरा ये प्रोडक्ट का ये क्या हो गया कॉस्ट और ये क्या हो गया सेल्स ये सेल्स क्यू? सेल्स क्यों में क्या इनकट है प्रॉफिट है कितना प्रॉफिट कमाया होगा इसको बेच के फिफ्टी रुपीज तो बोलो सेल का एंट्री अगर कोई करता है अगर तुम लोग ही कुछ बिजनेस करते हो फ्यूचर में और प्रोडक्ट बेचते हो तो तुम लोग अपना सेल का एंट्री किससे करोगे अगर सौ का चीज डेढ़ में बेचते हो तो डेढ़ से एंट्री करोगे या हंड्रेड से करोगे बोलो 150 से वन 150 फिफ्टी से, 150 को सेल वैल्यू या फिर इन वॉयस प्राइस बोला जाता है ठीक है मतलब सेलिंग प्राइस इसको इसका एंट्री होता है इन वॉयस प्राइस से तो हम यहाँ पर आईपी लिख देते हैं ये क्यों लिख रहे हैं ना यहाँ पर तुम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज मिलेगा इसलिए हम लिख रहे हैं सेल प्राइस यानी इन वॉइस प्राइस इन वॉयस प्राइस मतलब जहां पर प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है ठीक है इन वॉयस प्राइस तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे बी गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ठीक है देखने में तो एंट्री क्रेडिट सेल का लग रहा है लेकिन नैरेशन से पता चल जाएगा ना कि अच्छा ये वो कस्टमर है जिनको हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे सेल किया था ठीक है अच्छा अब हो सकता है कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया ठीक है हो सकता है कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो क्या एंट्री होगा मान लो इन टाइम पूरे साल में हम अलग अलग ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं हम लोगों ने कुछ गुड्स जो है अप्रूवल बेसिस बेच दिया और ऐसा हुआ कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो यहां पर लिखते हैं गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर तो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो मुझे बोल सकते हो एंट्री क्या होगा अगर कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा है तो मुझे बोलोगे एंट्री 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 क्या होगा रिवर्स रिवर्स हो हो जाएगा हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे सेल्स रिटर्न या फिर और एक चीज भी लिख सकते हो रिटर्न क्या होता है इनवर्ड या आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड होता है है ना खुद के पास वापस आ रहा है सेल्स रिटर्न भी हो सकता है रिटर्न इनवर्ड भी हो सकता है टू ट्रेड रिसीवेबल टू ट्रेड रिसीवेबल यहां पर लिखते हैं बीइंग गुड्स टोल्ड ऑन अप्रूवल इज रिटर्न अच्छा तो रिटर्न का एंट्री कर दिए और एक चीज हो सकता है कि कुछ कस्टमर मतलब ये टोटल हम लोग बोल रहे हैं कि टोटल पूरे साल में इतना सेल हुआ मान लो तो उसमें से कुछ कस्टमर ने रिटर्न कर दिया लेकिन ऐसे भी तो कस्टमर हो सकते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसका नोटिस दिया मतलब उसका कन्फर्मेशन दिया एक्चुअल नोटिस नहीं क्या बोलेंगे कन्फर्मेशन दिया तो यहाँ पर लिख देते हैं कस्टमर अप्रूव कस्टमर अप्रूव्ड अप्रूवल ठीक है अप्रूवल कस्टमर का अप्रूवल आ गया ठीक है तो बोलो क्या इसमें कोई एंट्री होगा होगा तो क्या होगा कस्टमर अगर अप्रूव कर रहा है कि हाँ मुझे खरीदना है ऐसा बोल दिया ठीक है मुझे पसंद है हम खरीद लेंगे तो क्या कोई एंट्री होगा नो no. मैम नहीं कोई एंट्री करेक्ट नो एंट्री क्यों नहीं होगा बोलो क्यों नहीं होगा कोई एंट्री क्यों नहीं होगा रीजन क्या है बता सकते हो Just क्यों नहीं रिटर्न के सम... के समय रिटर्न हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं तो रिवर्स कर... एंट्री नहीं करने का मतलब वो परचेस रहा हाँ मतलब देखो सिंपल सा बात है जैसे मान लो मैंने दस पेन सपोज टेन पेन ठीक है मैंने एट द रेट ऑफ टेन रूपीज करके अप्रूवल बेसिस पे बेचा था दस अलग अलग लोगों को ठीक है सपोज दस अलग अलग लोगों को बेचा था तो मैंने ट्रेड रिसीवेबल में कितना एंट्री किया होगा हंड्रेड रुपीज का ठीक है समझो अब दो पेन मेरा रिटर्न आ गया दो पेन रिटर्न आ गया ठीक है ये सेल वैल्यू है तो दो पेन रिटर्न आ गया वैसे ये पेन जो है ये दो पेन रिटर्न आ गया मतलब कितना सेल्स रिटर्न कितने से होगा ट्वेंटी रुपीज से होगा ठीक है दो पेन रिटर्न आ गया यानी ट्वेंटी रुपीज से होगा अगर अब हमें बाकी 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 जो जो आठ पेन है 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 उसके लिए आ गया ठीक मतलब बाकी जो कस्टमर उन्होंने एक इंटीमेशन दिया फोन करके हो या फिर कैसे भी शॉप में आके बता दिया हाँ पेन खरीदना अच्छा लगा अब क्या ये पेन का ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है हम लोगों का क्या आठ पेन का सेल का एंट्री किया हुआ है हम लोगों का यहाँ से देखो या पेन, यानी 80 रुपीस का इंट्री तो रखा है तो अप्रूवल होना मतलब क्या सेल हुआ तो सेल का एंट्री तो कर ही रखे तो क्या सेल का एंट्री फिर से करेंगे अगर कर देते हैं सपोज सोचो अप्रूवल हुआ तो दिमाग में ये आया सेल हो गया अगर एंट्री कर देते हो तो एट्टी से फिर से एंट्री कर दोगे तो हंड्रेड क्रेडिट था 20 डेबिट हुआ 80 बचा फिर उसमें 80 ऐड हो के तो 160 हो जाएगा अगर क्रेडिट एंट्री हो जाता है सेल का क्योंकि अगर हम लोग फिर से सेल का एंट्री कर देंगे अप्रूवल हुआ तो वो तो 160 होगा इसीलिए अप्रूवल पे कोई एंट्री नहीं होगा क्या समझ में आया लॉजिक क्यों अप्रूवल में कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एंट्री कर रखा है क्या समझ में आ गया लॉजिक मुझे एक बार बता दो कि समझ में आ गया तुम लोगों को Amen. अच्छा ये देखो इसका मतलब यहाँ पर नो एंट्री अच्छा अब मान लो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस हो गया इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस मतलब इंक्रीज़ इन सेलिंग प्राइस जब हम लोगों ने गुड्स ऑफर किया था ना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे तब हम लोगों ने बोला था दस रुपए पेन का प्राइस है जब उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ खरीदना है तब हम लोगों ने बोला देखो मार्केट में तो बहुत डिमांड है अब ये पेन दस रुपए का रहा नहीं ये ग्यारह रुपए का है लेना है तो लो नहीं तो वापस कर दो ठीक है हो सकता है इतना डिमांड हो गया कि वो ऐसे बोल रहा है कुछ दिन पहले तो बोल रहा था लेके जाओ देखो अच्छा लगे तो रखो अभी इतना डिमांड हो गया यहाँ पर कि बोल रहा है कि देखो लेना है तो लो नहीं तो छोड़ो हम तो अभी ग्यारह रुपए में बेचेंगे दस रुपए में हम बेच नहीं सकते मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ गया है तो अगर खरीदना है तो ग्यारह देके ही खरीदना है मैंने पहले दस बोला था लेकिन अगर अगर लेना है अभी तो इलेवन रुपीज पे करके ही लेना पड़ेगा तो क्या कोई एंट्री होगा अगर होगा तो कितना होगा सोच के बताओ सोचो so, मेरा दस रुपए वाला जो मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया था अब हम वो पेन जो आठ लोगों को बेचेंगे ग्यारह रुपए करके बेचेंगे ठीक है तो क्या मुझे कोई एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो एट्टी रूपये सेल का एंट्री बचा हुआ है लेकिन अगर हम ग्यारह रुपए में बेचना चाहते हैं तो एट्टी एट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा तो मेरा कितना कम दिख रहा है क्या उतना रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा मैंने हिंट्स दिया तुम लोग थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ कि क्या होगा करना पड़ेगा इंकॉर्ट हाँ तो कितने से होगा अमाउंट 8 रुपे 8 रुपे 8 से क्या एंट्री करेंगे 8 रुपे का क्या दिखाएंगे ये बोलो सेल दिखाएंगे ना 8 रुपे का एक्स्ट्रा सेल दिखाएंगे 80 के जगह 88 का सेल दिखाएंगे बोलो 80 के जगह 88 का सेल दिखाएंगे तो 8 रुपे का सेल्स का एंट्री दिखाएंगे तो एंट्री क्या होगा यही वाला एंट्री होगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेकिन कितने अमाउंट से होगा एट रुपीज से होगा ठीक है अच्छा अब और एक सिचुएशन भी हो सकता है कि यहाँ पर डिक्रीज हो गया सेलिंग प्राइस मतलब कस्टमर आके बोला ठीक है पेन तो मुझे पसंद है ले लेंगे लेकिन दस रुपए में नहीं लेंगे अगर नौ रुपए में दोगे तो ले लेंगे नौ रुपए में दोगे तो ले लेंगे दस रुपए से तो नहीं खरीदेंगे ऐसे बोल रहा है तो क्या हमें कोई एंट्री करना पड़ेगा सोचो क्या हमें कोई एंट्री करना पड़ेगा अगर बढ़ने से एंट्री करना पड़ेगा तो अगर डिक्रीज हुआ तो एंट्री होगा ना बोलो क्या एंट्री होगा सेल को क्या करेंगे एंट्री होगा रिवर्स एंट्री होगा सेल को कम दिखाएंगे ना ठीक है तो यहाँ पर रिवर्स एंट्री कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल ठीक है लेकिन ये रिवर्स एंट्री रिटर्न वाला नहीं है देखने में एक जैसा लग सकता है लेकिन रिटर्न वाला नहीं है ये सेल प्राइस डिक्रीज हुआ तो सेल को कम करके दिखाया अब सेल तो देखो कितने तरीके से कम हो सकता है कस्टमर ने प्राइस कम करवा दिया जब मतलब वही है नेगोशिएशन करके तो हो सकता है सेल का रिटर्न मतलब रिटर्न के जैसा ही एंट्री हो इसीलिए यहाँ पर मैंने सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल लिखा है यहां पर मैंने रिटर्न लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो ये रिटर्न वाला नहीं है बाकी एंट्री दोनों ही सेम होगा ठीक है अच्छा अब ये सब हो सकता है अब मान लो यहां पर आ गया थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च और यहां पर हो गया है ठीक है 31st of March, इसको ना हम थोड़ा सा आगे कर लेते 31st March, 2020. Specified time आ गया specified time मतलब जब customer को कंफर्म बताना है कि लेना है कि नहीं लेना है अगर स्पेसिफाइड टाइम आ गया ठीक है तो पूरा ट्रांजेक्शन अब देखो अगर स्पेसिफाइड टाइम यहाँ पर आ जाता है ईयर एंड के पहले ठीक है ईयर एंड के पहले अगर स्पेसिफाइड टाइम आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारा सारा सेटलमेंट सेटलमेंट इसी इसी के के अंदर अंदर हो हो गया गया है ना सारा इसी के अंदर हो गया, कि हम लोगों ने गुड्स कितना परचेस किया ठीक है सॉरी गुड्स कितना अप्रूवल बेसिस पे सेल किया क्या रिटर्न हुआ ठीक है क्या कस्टमर ने अप्रूवल किया और इंक्रीज प्राइस में लिया कि डिक्रीज प्राइस में लिया और अगर स्पेसिफाइड टाइम यहाँ पर हो गया

फर्स्ट ऑफ मार्च 2020 हम ना इसको एक second, हम इसको ऐसे कर लेते नहीं तो मुझे दो बार इतना सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, लग जाएगा. एक थर्टी फर्स्ट मार्च यहाँ पर करेंगे थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है और यहाँ पर मैंने दिखा दिया यहाँ पर हम दिखा देते स्पेसिफाइड टाइम ठीक है तो एक बार इसको इग्नोर करते हैं ठीक है यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम आ गया तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा लेकिन मान लो कि स्पेसिफाइड टाइम यहाँ पर था और इयर एंड यहाँ हुआ यहाँ पर स्पेशली देखो ईयर एंड मान लो ये वाला डेट है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ पर आया ठीक है और स्पेसिफाइड टाइम यहाँ पर है मतलब ईयर एंड होने को आ गया और कस्टमर से पूछ भी नहीं सकते हैं कि प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है क्यों क्योंकि उनका टाइम अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है उनको टाइम देना पड़ेगा उनका स्पेसिफाइड टाइम जो है वो थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद है मान लो उनका टाइम है फिफ्टींथ ऑफ अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है तो उनसे कैसे जबरदस्ती पूछ ले कि बोलिए लेना है कि नहीं लेना है अब क्यों इतना जल्दी लगा है में, हमें बनाना है फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा वहां पर क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को मैंने नॉर्मल सेल दिखा दिया लेकिन जब

फाइट टाइम पे लेकिन मैंने तो ये सेल यहाँ दिखा दिया और इसके चक्कर में यहाँ जीपी भी रिकॉर्ड कर दिया है 100 का लेकिन ये जीपी जो दिख रहा है इसी बेसिस पे नेट प्रॉफिट बन गया फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट बन गया सब गलत हो गया क्यों गलत हो गया ये तो प्रॉफिट ऑकर हुआ ही नहीं अब तो गलत हो गया मेरा माल तो कस्टमर रिटर्न करने वाला है मैंने तो 80 का रिकॉर्ड कर रखा है जीपी अब पूरा मतलब गड़बड़ हो जाएगा तो ये नहीं करना है हम लोग को ठीक है इससे बचने के लिए हमें क्या करना है अगर ईयर एंड आ जाता है और उसके बाद स्पेसिफाइड टाइम होता है तो sale, है तो सेल जो जो अप्रूवल बेसिस उसको क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक ट्रीट करो ऐसा कस्टमर के पास पड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ा हो इससे बेनिफिट क्या होगा मेरा जो सेल्स है जो एक्चुअली सेल्स हुआ है अप्रूवल बेसिस वाला जो नहीं है वो ट्वेंटी का रिकॉर्ड कर देंगे उसके हिसाब से ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है, और बाकी जो कस्टमर के पास ए, हुआ है, उसका हम क्लोजिंग दिखा देंगे कस्टमर. क्लोजिंग है, में या मेरे, में नहीं है, मेरे कस्टमर के पास है इससे मेरा जीपी करेक्ट दिखेगा हम लोग ऐसे सेल पे जीपी रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते जिसका कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास अब ये गलती इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोग ज्यादा बार नहीं करते, है ना, फ्यू टाइम्स करते हैं तो हम लोग इसको सेल के तरह ही ट्रीट करते हैं। तो हम लोग इसे ट्रीट कर देंगे ताकि हमारा फाइनल अकाउंट सही, सही बने और हमें को को भी करना ना पड़े ठीक है तो क्लोजिंग को कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एज कॉस्ट और एनआरबी एनआरबी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट में कितने में ये हम लोग बेच सकते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर विच एवर इज लोअर ठीक है बस अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर इन्होंने अपने हिसाब से दे रखा है ये सारी चीजों को ऐसे दे रखा है ठीक है तो पहला क्वेश्चन देखो इलास्ट्रेशन वन ठीक है क्या बोला है देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन वन में सीई सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस तो सीई जो है वो अपने कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स बेचते हैं द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टूक प्लेस ड्यूरिंग टू थाउजेंड नाइनटीन सेफ्टीन का क्या ट्रांजेक्शन है का और ये लगाने के बाद, जितना सेल प्राइस बना इन वॉयस प्राइस वो वन लैक है गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर फोर्टी थाउजेंड रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम

ऑर्डिनरी सेल के तरह ट्रीट करते हैं मतलब हम लोगों को कैजुअल सेल के तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीई एज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2019 तो हमें 31 दिसंबर 2019 का अगर इनका ईयर एंड होगा उसके हिसाब से सारे ट्रांजेक्शन का एंट्री करके दिखाना है तो देखो कैसे होगा In the books of TE Journal entries date particulars. लेजर फोलियो क्योंकि ये जर्नल बेस्ड चैप्टर है ना तो तुम लोग को प्रोफोर्मा अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए ठीक है डेबिट क्रेडिट अच्छा तो हमें सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने बोला है तो तुम लोग मुझे बताओगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या होगा सितंबर 15 का सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इसका एंट्री क्या होगा हाँ ट्रेड रिसीवेबल टू सेल ठीक है 2019 सितंबर 15 ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स वन लैख बी गुड्स से टू कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस ठीक है अच्छा फिफ्टीन सेप्टेम्बर हो गया नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर ट्वेंटी एथ ऑफ ऑक्टूबर इसका एंट्री क्या होगा बोलो इसका एंट्री क्या होगा

हाँ, लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखो अगर ट्रेड रिसीवेबल लिख रहे हो तो ट्रेड रिसीवेबल ही लिखो अगर डेटर लिख रहे हो तो डेटर ही लिखो ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दिया यहाँ कस्टमर लिख दिया फिर दूसरे जगह ट्रेड रिसीवेबल वो गलत हो जाता है ठीक है अच्छा अमाउंट हो जाएगा हाँ अमाउंट कितना होगा फोर्टी सही बात है सही बोले हो ठीक है अच्छा यहाँ पर नैरसन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर अच्छा इसके बाद बोल रहा है रिसिप्ट लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर इसका क्या कोई एंट्री होगा अगर होगा तो क्या होगा बताओ बोलो थे 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 थे। गलत हो गया ना अप्रूवल का एंट्री होगा क्या अप्रूवल मतलब क्या कुछ लोगों ने रिटर्न कर दिया अभी हम लोग का मार्केट में फिर कितना सेल हो रखा है ये बोल सकते हो मार्केट में कितना सेल सेल मतलब ये तो तो क्रेडिट सेल है ना तो कितने पैसा मिल सकता है ऐसे ही तो हिसाब करते हैं ना कि वन लाख का मैंने सेल किया था ठीक है उसमें से फोर्टी थाउजेंड का मेरा रिटर्न आ गया तो मार्केट से कितना रिसीवेबल है ट्रेड मतलब बिजनेस बिजनेस के रिसीवेबल कितने हैं मतलब कस्टमर से कितना मिलेगा माइनस करने से सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा है कि 40, जो है लोगों ने अप्रूवल कर दिया अप्रूवल करने से क्या होता है इस एंट्री को नेट करोगे तो सिक्सटी थाउजेंड क्रेडिट दिख रहा है क्या वो सिक्सटी थाउजेंड में ये फोर्टी थाउजेंड इंक्लूडेड नहीं है सोचो क्या ये सिक्सटी थाउजेंड में ये फोर्टी थाउजेंड इंक्लूडेड है कि नहीं ये बताओ Yes, ma'am. इंक्लूडेड है ना देखो नहीं सम, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है देखो हम लोग सेल्स कर रहे हैं है? है. है? हमारे पास सिक्सटी थाउजेंड का सेल अभी भी बचा हुआ है अब सिक्सटी थाउजेंड का सेल बचा हुआ कुछ लोगों ने अप्रूवल भेज दिया जिससे हमारा फोर्टी थाउजेंड सेल कन्फर्म हो गया तो जो कन्फर्म हुआ क्या वो अलग से कोई या फिर ये वन लैख का ही फोर्टी थाउजेंड है पहले ये सोचो इसमें से फोर्टी रिटर्न हो गया ना तो अब मार्केट से सिक्सटी थाउजेंड रिसीवेबल हुआ तो अगर उसके बाद अप्रूवल आता है तो वो फोर्टी थाउजेंड का जो अप्रूवल हुआ क्या ये कोई नया सेल है या फिर इसी का अप्रूवल रिटर्न और इसी का अप्रूवल ये सोचो तभी समझ में आएगा क्या हम समझा पाए कंफ्यूजन दूर हुआ? बोलो होगा बोलो क्यों होगा कि नहीं होगा यहाँ पर ये वाला गलत हो जाता है अच्छा तो नवंबर 25 को एक बार लिख लो अपने तसल्ली के लिए लिख एग्जाम में जरूरी नहीं होगा यहाँ पर लिख दो नो एंट्री एग्जाम में ऐसा लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है एग्जाम में वो नीचे लिख सकते हो नोट बना के कि क्यों इसका एंट्री नहीं किया ठीक है क्योंकि नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ठीक है तो ये हो गया अच्छा नेक्स्ट बोलो यहाँ पर बोल रहा है गुड्स विद कस्टमर एवेटिंग फॉर अप्रूवल तो अप्रूवल के लिए वेट कितना कर रहा है नॉर्मल सब बात है देखो वन लाख का सेल किया था थाउजेंड का हो गया रिटर्न फोर्टी थाउजेंड का रिटर्न मतलब हमारे पास वापस आ गया मार्केट में सेल कितना बचा सिक्सटी उसमें से फोर्टी का हो गया अप्रूवल ठीक है अप्रूवल तो बोलो अब कितना ऐसा गुड्स है जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है ना तो उन्होंने रिटर्न किया ना तो अप्रूवल दिया कितना गुड्स होगा लाख फोर्टी थाउजेंड रिटर्न ट्वेंटी थाउजेंड इसीलिए देखो यहाँ पर करेक्ट ये देखो इसीलिए हुआ ट्वेंटी थाउजेंड तो लेकिन ये ट्वेंटी थाउजेंड मुझे ये बताओ ये सेल प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है ये बता सकते हो सेल अगर सेल ये सेल प्राइस तो क्या स्टॉक को सेल प्राइस में रिकॉर्ड करोगे जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया था कि हम दस रुपए में पेन लाते हैं और बारह रुपए में बेचते हैं ठीक है ऐसा मेरे पास दस पेन था ठीक है दस में से एट सेल हो गया दो पेन बच गया तो अगर हम अपना स्टॉक देखेंगे मेरे पास दो पेन कितने का पड़ा हुआ है एट द रेट ऑफ ट्वेल्व वाला ट्वेल्व वाला पड़ा हुआ है या फिर एट द रेट ऑफ हम लोग का टेन वाला पड़ा हुआ है क्या बोलेंगे हम लोग हमारे पास जो गोडाउन है वहां पर दस वाला पेन है या ट्वेल्व वाला पेन है क्या बोलेंगे बोलेंगे बोलो टेन वाला टेन वाला लेकिन ये यही वाला बोलेंगे ना क्योंकि अगर कोई पूछेगा आपके गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक है तो थोड़ी ना बोलोगे ट्वेंटी फोर रुपीज का स्टॉक है ये दो पेन स्टॉक नहीं होता है जस्ट एग्जांपल के लिए दो पेन चौबीस रुपए तो क्या बोलेंगे ट्वेंटी फोर रुपीस का स्टॉक है नहीं ट्वेंटी रुपीज का स्टॉक है हमारे पास गोडाउन में तो हमेशा स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये चीज इलेवन में तुम लोग करते हो बट जस्ट इसको उतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता है होता 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 है star, sorry, two होता है two होता है अकाउंटिंग अकाउंटिंग सॉरी स्टैंडर्ड जहां पर ये बताया गया है कि कैसे स्टॉक को वैल्यू करोगे तो मैंने अभी अभी एक लाइन लिखवाया था अगर देखो तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक इन्वेंट्री यानी स्टॉक इज रिकॉर्डेड एज कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर ठीक है कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर तो जो अप्रूवल नहीं मिल रहा है वो अगर

रिटर्न uh, नहीं आया है अप्रूवल भी नहीं आया है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर ठीक है तो क्या एंट्री होगा डिसेंबर थर्टी वन में हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है ट्रेडिंग में क्या लिखते हो बाई क्लोजिंग स्टॉक तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न टू ट्रेडिंग तभी तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो लेकिन यहां पर वो कस्टमर के पास है उसका एक लाइन हम लोग एक्स्ट्रा लिखेंगे बींग एडजस्ट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइन विथ कस्टमर तो मुझे बोलो वैल्यू कितना लिखेंगे क्या ट्वेंटी थाउजेंड से एंट्री हो जाएगा क्या ट्वेंटी थाउजेंड से ही एंट्री हो जाएगा no, कितना होगा बोलो फिफ्टीन थाउजेंड होगा फिफ्टीन थाउजेंड होगा ठीक है देखो कैसे कैलकुलेट होगा दो तीन तरीके से हो सकता है हमारा कॉस्ट जो है वो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि कॉस्ट प्लस थर्टी थ्री परसेंट मतलब ये प्रॉफिट का परसेंटेज है ठीक है अब सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि तीन कॉलम कर लो कॉस्ट सेल्स प्रॉफिट ठीक है इससे कभी गलत नहीं होता है। बाकी तुम लोगों को अगर कुछ अलग हैबिट है कर सकते हो 33 एंड 1/3 परसेंट का मतलब होता है 100/3 परसेंट है ना 33 3 99 99 100/3 परसेंट और 100/3 परसेंट मतलब 100/3

ड ये देखो ना क्या लिखा हुआ था एंड ये क्या बोला था सेल ऑन रिटर्न सेल गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्न एट एट कॉस्ट प्लस ये ठीक है कॉस्ट प्लस ये वैल्यू तो इसको हम लोग कैसे कर सकते देखो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट और ये हम लोग का क्या हो गया कॉस्ट ठीक है क्योंकि मैंने नीचे क्या लगा दिया था हंड्रेड लगा दिया था तो यहाँ पर देखो ये कॉस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस्ट का वैल्यू हो गया थ्री रुपीज प्रॉफिट कितना हो गया 1. तो सेल प्राइस कितना होगा ये बोलो अगर कॉस्ट जो है वो 3 हो रहा है और प्रॉफिट जो है वो वन रुपीज हो रहा है तो सेल कितना होगा बोलो सेल प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के तो सेल प्राइस कितना हो गया फोर तो प्रॉफिट ऑन सेल कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय सेल्स यानी वन वन फोर फोर्थ ठीक है तो सेल के ऊपर वन फोर्थ प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो इसका मतलब ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर कितना प्रॉफिट इनकर्ड है वन फोर्थ वन फोर्थ का मतलब फाइव थाउजेंड तो कॉस्ट कितना हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड कैलकुलेट करने का मतलब है से प्रॉफिट को लेस कर दो तो ये फिफ्टीन थाउजेंड इस तरह से हो सकते या तो ऐसे कर लो या फिर इस तरह से कर सकते हो जो कॉस्ट है थर्टी थ्री एंड वन थर्ड परसेंट मतलब थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री कैलकुलेटर में चाहो तो ऐसे कर सकते हो थर्टी थ्री एंड वन थर्ड परसेंट का मतलब ये हो गया वन बाय थ्री लिख लो या हंड्रेड बाई थ्री परसेंट लिख लो एक ही बात है ये देखो लिखोगे आ जाएगा ठीक है ये प्रॉफिट हो गया तो सेल कैसे हो जाएगा सेल हो जाएगा इन दोनों का एडिशन वन थर्टी थ्री पॉइंट होगा तो प्रॉफिट या कॉस्ट कुछ भी ढूंढ सकते हो प्रॉफिट ढूंढ लो या कॉस्ट ढूंढ लो यूनिटरी मेथड कर दो देखो वन थर्टी थ्री अगर सेल है तो प्रॉफिट है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री अगर सेल है तो प्रॉफिट है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो वन अगर सेल है तो 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 तो अगर 20,000 सेल है तो प्रॉफिट कितना होगा ये देखो तीन तरीके से हम दिखा देते जो तुम लोग को ठीक लगे कर सकते हो into 20,000 अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा यहाँ पर ये देखो 33.33333 जब तक कैलकुलेटर लेगा ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर इतना तक लिया तब तुम लोग का पॉइंट नहीं आएगा जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक लिखते जाओ ठीक है इन टू ट्वेंटी थाउजेंड 5, 000. आया ये देखो, हमें 5000 मिल मिला और क्योंकि ये जब तक कैलकुलेटर में आ रहा है कैलकुलेटर के स्क्रीन में आ सकता है ठीक है तो फाइव हो गया ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया प्रॉफिट फाइव तो इससे फाइव लेस करेंगे कॉस्ट पता चल जाएगा या फिर डायरेक्ट इस प्रोसेस से कॉस्ट निकाल लो कैसे अगर हम लोग का सेल इतना है तो कॉस्ट हंड्रेड है वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री अगर सेल्स से है तो कॉस्ट हंड्रेड है वन होगा तो हंड्रेड बाई वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री और अगर आ, यहाँ पर सेल ट्वेंटी थाउजेंड हुआ तो उसका कॉस्ट कितना होगा इंटू ट्वेंटी थाउजेंड तो ये कैसे सॉल्व होगा ये देखो हंड्रेड इंटू ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई 133 point, तब तक लिखेंगे जब तक कैलकुलेटर लेगा इक्वल करो पंद्रह हजार डायरेक्टली आया ठीक है और अगर दो या तीन बारी थ्री थ्री लिखोगे तो वो फोर्टीन थाउजेंड ऐसा दिखेगा तो कोई भी एक तरीके से कर सकते हो सबसे शॉर्टकट ये वाला होता है ठीक है इसको करने का कोशिश करो कोई भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाएगा फिफ्टीन से gets a low next question Dekta.

इन द बुक्स ऑफ अमित डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट अच्छा पहला ट्रांजैक्शन कब है टेंथ ऑफ फेब को टेंथ ऑफ फेब ठीक है अच्छा टेंथ ऑफ फेब ईयर कौन सा है 2020 अच्छा पहला एंट्री क्या होगा बोलो एंट्री क्या होगा अमाउंट क्या होगा नरेशन और नहीं लिखेंगे तुम लोग लिख लो ठीक है हम ऐसे ही जस्ट सॉल्व करवा दे रहे हैं बोलो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 25 परसेंट ऑन कॉस्ट क्या होगा एंट्री क्या होगा ट्रेड रिसीवेबल टू तो सेल्स वन होगा क्यों क्योंकि ये कॉस्ट है सेल कभी भी कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं होता मेरा मैंने पेन दस रुपए में खरीदा बारह रुपए में मुझे बेचना है तो अगर बेच रहे बारह रुपए में तो बारह रुपए से एंट्री करेंगे और खरीद रहे दस रुपए में तो दस रुपए में एंट्री करना पड़ेगा यानी ट्रेडिंग में परचेस का एंट्री दस रुपए वाला होगा लेकिन सेल्स का इंट्री 12 रुपीस का एंट्री होगा ना उसी तरह से तो अगर सेल कर रहे हैं तो ये देखो डायरेक्टली बोल दिया ऑन ट्वेंटी फाइव परसेंट तो वन लाख ट्वेंटी पे ट्वेंटी फाइव परसेंट अप्लाई करके देख लो वन लाख फिफ्टी आएगा ठीक है तो इसका एंट्री हो जाएगा इस तरह से ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स ठीक है यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देते ये देखो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ये तो लगेगा ही लगेगा ये इतना तो रिकवर करेंगे कॉस्ट तो कस्टमर से रिकवर करेंगे उसका ट्वेंटी थर्टी मतलब तो वन लैख्टी हो गया है ना नैरेशन हम नहीं लिखवा रहे तुम लोग नैरेशन लिख लो सेम होगा ने सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ठीक है अच्छा अब टेंथ ऑफ फेब के बाद ट्वेंटी रिटर्न हुआ क्या इसका कोई एंट्री होगा अगर होगा तो क्या होगा बोलो ट्वेंटी

होगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट एडेड है ये एज्यूम तो कर, ले तो मतलब कर, तो मतलब कर लेंगे ठीक है क्योंकि इसके पास मतलब पीछे ब्रैकेट में लिखना चाहिए था ना तो लिखा तो कुछ है नहीं तो इसका मतलब ये सेल्स वैल्यू ही दिखा रहा है फिफ्टींथ मार्च को गुड्स अप्रूवल हुआ है क्या इसका कोई एंट्री होगा बोलो फिफ्टींथ मार्च को गुड्स अप्रूवल हुआ है इसका कोई एंट्री नो मैम नो एंट्री नो एंट्री करेक्ट नो एंट्री फिफ्टींथ ऑफ मार्च का नो no एंट्री क्योंकि उसमें इंक्लूडेड है अच्छा आप बोल रहे हैं थर्टी फर्स्ट मार्च गुड्स विद कस्टमर एवेटिंग फॉर अप्रूवल मतलब अभी भी अप्रूवल का स्पेसिफाइड टाइम नहीं आया है थर्टी थाउजेंड का ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल के रिकॉर्ड कर देंगे लेकिन क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने के पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को अच्छा मैंने यहाँ पर एक एंट्री किया नहीं था शायद एक एंट्री किया नहीं ना हम्म एक एंट्री क्या नहीं गलत हो गया यहाँ पर देखो ये सब ठीक था ये एक काम करते ये नो एंट्री वाला हटा दे क्योंकि ये तो लिखना मैंडेटरी है नहीं इसका नोट्स बना सकते यहाँ पर हम लोग को एक एंट्री करना था ये देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले ये देखो यहाँ पर डिसम्बर थर्टी फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे ये क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर दिया सही है लेकिन सेल्स को भी कैंसिल करना पड़ेगा ये देखो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड मतलब कंसेप्ट क्या हुआ वन लैक का सेल किए थे पहला वाला क्वेश्चन बोल रहे रिटर्न हो गया मार्केट में सेल दिख रहा है लेकिन इसमें से भी अप्रूवल आ गया है फोर्टी थाउजेंड यानी ट्वेंटी थाउजेंड कस्टमर के पास बचा हुआ है अभी भी अप्रूवल के लिए तो जिस स्टॉक को मतलब वो वाले स्टॉक को अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहते तो उसे सेल तो नहीं दिखा सकते सोचो so, तो, अगर हम अपना कोई स्टॉक जो कस्टमर के पास मैंने रखा हुआ है और ये ट्वेंटी थाउजेंड का सेल ये नहीं दिखाना चाहते तो इसे तो कैंसिल करना पड़ेगा वो सेल नहीं दिखा के, उसी को तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे इसका मतलब मुझे सेल को कैंसिल करना पड़ेगा सोचो फिर से अगर हम लोग का वन लेख का सेल हुआ रिटर्न अप्रूवल मतलब मार्केट में ट्वेंटी थाउजेंड अभी भी मतलब ना आ रहे ना पार, मतलब 20, का सेल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन फाइनल अकाउंट्स का टाइम आ गया फाइनल अकाउंट्स बनाना है कंफर्मेशन नहीं आया तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर दिया सही है लेकिन फिर सेल कैंसिल करो एक ही चीज को हम सेल भी दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ये तो पॉसिबल नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया वो तो सही अप्रोच है, है लेकिन जिसको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया उसका सेल कैंसिल करना पड़ेगा ना क्योंकि उसका सेल तो ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है वन ,00 लेख में है ना तो उसका सेल हम लोग कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल होगा ये देखो रिवर्स एंट्री देखे सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल कितना ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड का सेल पहले कैंसिल कर देंगे और उसी को स्टॉक बोल के रिकॉर्ड कर देंगे नहीं तो एक ही चीज को सेल और स्टॉक दोनों नहीं दिखा सकते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर भी वही चीज होगा तो वहां पर हम भूल गए थे थोड़ा ठीक है तो ये देखो ऑफ तो मार्च का हो गया अब नेक्स्ट हम लोग थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को आ, क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे ठीक है तो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे जितना क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहते हैं पहले उतने का सेल कैंसिल करेंगे क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है तो मुझे बोलो कितने का सेल कैंसिल होगा थर्टी थाउजेंड का ठीक है तो देखो क्या हुआ वन लाख फिफ्टी में एट्टी थाउजेंड रिटर्न हो गया तो जितना बचा था कितना बचा से हो गया और फोर्टी थाउजेंड अप्रूवल हो गया तो इसका मतलब के पास पड़ा हुआ है तो ये एज अ सेल इसमें इंक्लूडेड है 1, 50, में। तो हम लोग को पहले सेल कैंसिल करना पड़ेगा तब हम लोग उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा सकेंगे एक ही स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक सेल दोनों कैसे दिखाएं तो सेल कैंसिल करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल क्या वैल्यू था थर्टी थाउजेंड और इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे तो इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग तो कितना होगा बोलो कितना होगा प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट मतलब 25 बाय 100 ऑन on... कॉस्ट इसका मतलब होता है कि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया ये कॉस्ट पे कैलकुलेट किया गया है तो ये कॉस्ट है और ये क्या है ये प्रॉफिट है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ठीक है तो हमारे पास तो सेल प्राइस है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो गया वन बाई फोर इसको शॉर्टकट कर दो वन बाई फोर हो गया ये प्रॉफिट ये कॉस्ट तो सेल कितना होगा अगर कोई एक चीज बेच के कोई एक चीज का प्रॉफिट एक रुपए हो रहा है जिसको हम लोगों ने फोर रुपीज में खरीदा था उसको बेच के एक रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचा होगा बोलो कितने में बेचा होगा अगर कोई एक प्रोडक्ट जिसका प्रॉफिट रेट 5 बता है, फाइव रुपीज ठीक है इससे जल्दी हो जाएगा ना ये देखो फाइव रुपीज कैलकुलेट करो कितना होता है ना सिक्स थाउजेंड तो कितने में रिकॉर्ड होगा थर्टी थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड लेस हो जाएगा ट्वेंटी फोर हम दिखा देते डिटेल्स में दिखा देते ये देखो पर हो जाएगा ये एक बार मैंने लिख दिया अब यहाँ पर वर्किंग नोट दिखा देते कैसे होगा ये साइड में दिखा देते ये देखो ये सबसे शॉर्टकट होता है फ्यूचर में तुम लोग जब कॉस्टिंग पढ़ोगे ना तो उसमें भी काफी हेल्प होगा देखो जब भी बताया जाता है ऐसे ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट ठीक है 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 इसका मतलब क्या होता पता ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो हंड्रेड ट्वेंटी फाइव कैसे मिला है ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड तो प्रॉफिट आउट ऑफ कॉस्ट तो इसीलिए ये हो गया कॉस्ट और ये हो गया प्रॉफिट ठीक है और इसको अगर हम लोग शॉर्टकट कर देते हैं तो ये वन फोर्थ हो जाता है तो वन रुपीज प्रॉफिट फोर रुपीज कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सेलिंग का मतलब होता है क्या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो इसीलिए ये ये हो गया ये हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं तो अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट ऑन सेल क्यों क्योंकि हम लोग के पास सेल प्राइस अवेलेबल है थर्टी थाउजेंड तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया प्रॉफिट बाय सेल तो प्रॉफिट कितना है वन रुपीज सेल कितना है फाइव रुपीज तो अब हम लोग ये वन फिफ्थ ये जो प्रोपोर्शन है इसको सेल प्राइस पे लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन सेल है तो अगर सेल थर्टी थाउजेंड का है तो प्रॉफिट ऑन सेल हो गया सिक्स थाउजेंड ठीक है अब थर्टी थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड लेस कर दो ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ गया ये सबसे फास्ट होता है ठीक है इलास्ट्रेशन थ्री देखो

एक्सपायरी डेट आ गया मतलब स्पेसिफाइड टाइम आ गया और कस्टमर ने बोला कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए तब क्या एंट्री हुआ वो करो देखो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो गुड्स बेचा था ना उसका अप्रूवल नहीं आया जब इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किया तब इन्होंने क्या किया होगा जो गुड्स कस्टमर के पास है उसका पहले उतना सेल का रिवर्स एंट्री डाल दिया कि वो सारे गुड्स को हम सेल नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैंने पहले सेल रिकॉर्ड कर रखा है तो अभी सेल कैंसिल करके उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे ठीक है तो क्लोजिंग डेट पे ये करेंगे देंगे अब उसके बाद जब कस्टमर रिजेक्ट कर देंगे कितना 75 परसेंट तो जो रिजेक्ट हो जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे एंट्री करेंगे देखो कैसे होगा दिखाते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा देखो क्वेश्चन नंबर थ्री इन द बुक्स ऑफ कुमार तो क्लोजिंग डेट पे क्या एंट्री होगा क्लोजिंग डेट पे कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि मिस्टर कुमार ने जो सेल किया है अप्रूवल बेसिस पे वन लैक फिफ्टी थाउजेंड का वो अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन इन द मीन टाइम डेट ऑफ क्लोजिंग आ गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है फाइनल अकाउंट्स बनाना है कस्टमर से पूछ नहीं सकते क्योंकि अभी भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं आया तो एक ही हमारे पास जो है ऑप्शन रह जाता है सारे सेल को कैंसिल कर दो और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो ताकि तुम लोग का फाइनल अकाउंट सही बन जाए तो सेल को कैंसिल कर देंगे वन लैक फिफ्टी टू ट्रेड रिसिवेबल ठीक है सेल को कैंसिल कर दिया और इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट Trading. अच्छा अब ये बताओ कि ये तो हमें किस में रिकॉर्ड करना पड़ता है कॉस्ट और एनआरबी तो तो है अब 1, 50, का कॉस्ट क्या था क्योंकि ये बिकता है 33 13 पे, है ना थर्टी थ्री एंड वन थर्ड ये तो सेल वैल्यू ही है तो इसमें प्रॉफिट निकाल लो डायरेक्टली बोल ही दिया है प्रॉफिट जो होता है वो सेल पे इतना परसेंट होता है ये मतलब वन थर्ड होता है थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया ना ये मतलब प्रॉफिट कितना हो गया प्रॉफिट One third on sales हो गया तो ये directly sale value, sale value पे लगाओ लगाने से ही profit पता चल जाएगा बोलो कितना होगा इसको सॉल्व करके दिखाया था ना तुम लोग को थर्टी थ्री ऑन थर्ड मतलब तो one by three होता है ना तो वन बाई थ्री ऑन सेल्स तो इस पे वन थर्ड प्रॉफिट होगा बोलो वन थर्ड प्रॉफिट कितना होता है बोलो 50000 तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 150000 सेल प्राइस इसमें अगर 50000 प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 1 लाख तो कौन सा रिकॉर्ड होगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर तो ये वाला लोअर है इस पर रिकॉर्ड होगा तो 1 लाख पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ठीक है 1 लाख पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैसे वो फिर से दिखा देते हैं है, हमें यहाँ पर, हमें पर है, देखो, हम यहाँ पर समझा देते हैं हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि कैसे सेल होता है प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है थर्टी थ्री एंड वन थर्ड परसेंट ऑन सेल और थर्टी थ्री एंड वन थर्ड को मैथमेटिकली सॉल्व करने से वन थर्ड आता है तो वन थर्ड ऐसे लिखेंगे ये देखो वन थर्ड प्रॉफिट ऑन सेल ये क्यों लिख पाए सिंपल सा बात है इसके जगह इसके जगह सॉल्व करके वन थ्री लिख सकते हैं तो वन थ्री तो प्रॉफिट ऑफ वन थर्ड ऑन सेल प्रॉफिट जो है वो सेल पे वन थर्ड है ठीक है वो सेल पे वन थर्ड है तो वन थर्ड ऑन सेल अब हमारे पास सेल प्राइस ही यहाँ पर अवेलेबल है तो इस पे वन थर्ड लगा देंगे डायरेक्टली कोई चेंज करने का जरूरत ही नहीं है फिफ्टी ठीक है और कॉस्ट कितना हो जाएगा वन लैख ठीक है तो कॉस्ट और एनआरबी लोअर तो लोअर वन लैक होता है तो वन लैख में रिकॉर्ड हो गया ये क्लोजिंग डेट पे दो एंट्री हो गया अब क्या हुआ देखो यहाँ पर पीरियड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स बोल रहा है कि 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है उतना गुड्स एक्सेप्ट किया है कस्टमर ने एंड रेस्ट कंसिडर टू बी रिजेक्टेड बाकी रिजेक्ट हो गया मतलब वैल्यू बाद में निकालेंगे कंडीशन देखो कुछ गुड्स एक्सेप्ट हुआ है कुछ गुड्स रिजेक्ट हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने जो सेल किया था उसको कैंसिल कर दिया और स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया और ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास है तो मुझे बोलो कि अगर फिर से कस्टमर अप्रूवल कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है तो कंडीशन क्या होगा बोलो अप्रूवल कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है तो कंडीशन क्या होगा अप्रूवल के लिए क्या करेंगे रिजेक्ट के लिए क्या करेंगे जैसे मान लो हम ऐसे दिखा देते जैसे देखो सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल ठीक है मैंने टेन रुपीज वाला फाइव पेन जो है सेल कर दिया ठीक है बारह रुपए वाला पेन ठीक है सिक्सटी रुपीज में सेल कर दिया इसका कॉस्ट होता है टेन रुपीज तो आ, मुझे अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहते हैं ठीक है तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहेंगे तो मैंने ये पहले तो सेल को कैंसिल कर दिया मतलब पहले मैंने सेल रिकॉर्ड किया होगा देखो ये पूरा कंडीशन अगर हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझाएंगे तुम लोग समझ जाओगे तो सबसे पहले मैंने मान लो सेल किया था तो सेल का एंट्री मैंने ऐसे किया देखो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स मैंने क्या सेल किया है ट्वेल्व रुपीज में फाइव पेन सिक्सटी रुपीज सिक्सटी रुपीज ठीक है अच्छा अब मेरा कस्टमर जो है जिनको मैंने अप्रूवल बेसिस पे बेचा है वो लोग अभी भी मुझे कुछ नहीं बता रहे क्योंकि टाइम नहीं आया लेकिन मुझे अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो हम क्या करेंगे हम सेल सेल को कैंसिल कैंसिल कर कर देंगे सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल 60 60 मैंने कर दिया लेकिन वो गुड्स का क्या करे वो तो मैंने परचेज तो किया था ना तभी तो बेच रहे थे तो बेचा था बेचने का कैंसिल एंट्री कर दिया ठीक है भाई लेकिन वो स्टॉक जो दस रुपए से खरीदा था उसका क्या करोगे उसका क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया इन्वेंट्री To trading. लेकिन ये ये मेरे मेरे पास पास नहीं है मेरे customer के पास है के कितने में record करेंगे? 10 into 5, 50 rupees में में करेंगे करेंगे क्योंकि मैंने ये 10 rupees में खरीदा था कॉस्ट और इज लोअर आप बोल रहा है एक्सपायरी डेट आ गया है एक्सपायरी डेट आ गया है और मान लो कि सेवन पेन सेल हुआ फॉर एग्जाम्पल और बाकी बचा कितना फाइव पेन इसका रिजेक्शन हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या एंट्री करना चाहिए देखो मेरा ये एंट्री ट्रेड रिसीवेबल डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट से कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया मतलब एक्चुअली मेरे बुक्स में एक ही वैलिड एंट्री है ये वाला मतलब मेरे पास दस रुपए का पेन है पांच ठीक है पांच पेन है तो दस रुपए का पांच पेन है यानी फिफ्टी रुपीज का स्टॉक है अब इस स्टॉक में से सेवन पेन जो है सेल हो जाएगा फाइव पेन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा तो मुझे बोलो क्या करना चाहिए क्या एंट्री करना चाहिए और ये मैंने बारह रुपए लिया था पांच पेन ना ठीक है तो इसको थोड़ा सा कम कर देते कोई बात नहीं थ्री पेन सेल टू पेन रिजेक्ट बोलो क्या तो. करना चाहिए सोचो कि मेरा सेल वेल तो पूरा कैंसिल हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरे पास क्या है एनालिसिस करो ना तभी समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से फिफ्टी रुपीज का स्टॉक लेकिन वो मेरे पास नहीं है मेरा ही क्लोजिंग स्टॉक है बट वो मेरे पास नहीं है कहाँ पर है वो कस्टमर के पास है अब कस्टमर जो है एक कस्टमर ने फोन किया और वो बोल रहे हम तीन पेन ले, ले लेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए बोलो पहले मान लो जो खरीदेगा उसने बोल दिया कि हाँ मुझे पेन चाहिए तीन पेन हम लेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए अब ना तो मुझे क्या करना चाहिए, तो चाहिए बोलो सेल होने पे क्या इंट्री होता है सेल होने पे सेल का एंट्री होगा कि नहीं होगा सेल होने पे सेल का एंट्री होगा कि नहीं होगा क्योंकि सेल तो मैंने पूरा कैंसिल कर दिया था जो भी पेन था पेन था ना जो फाइव पेन थे वो तो मैंने सेल रिकॉर्ड किया था फिर सेल कैंसिल भी कर दिया फिर उसको दिखा दिया ठीक है तो अब अगर कंफर्मेशन आ रहा है कि थ्री पेन कंफर्म सेल है तो मुझे क्या करना चाहिए क्या हम सेल रिकॉर्ड करें या ना करें रिकॉर्ड होगा

थर्टी सिक्स ठीक है अब जो दो पेन रिजेक्ट हो गया इसका क्या करें क्या इसका कुछ करना पड़ेगा बोलो जो दो पेन रिजेक्ट हो गया फोन करके बोल रहा है कि जिसके पास दो पेन था वो बोल रहा है मुझे नहीं लेना है क्या इसको मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या इसका रिवर्स एंट्री वेंट्री करना पड़ेगा या फिर बात अभी ऐसा बन रहा है कि मेरे पास 5 पेन क्लोजिंग स्टॉक में था बट वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरे कस्टमर के पास था जिसमें से उसने 3 पेन ले लिया एक कस्टमर ने 3 पेन ले लिया और एक कस्टमर ने 2 पेन के लिए रिजेक्शन कर दिया तो रिजेक्शन होने पे नॉर्मली हम लोग रिटर्न का एंट्री करते हैं लेकिन रिटर्न उस चीज का एंट्री होगा ना जिसका सेल रिकॉर्ड हुआ है क्या ये 5 पेन का कहीं पर भी सेल रिकॉर्ड था नहीं था बोल के तो सेल रिकॉर्ड किया था तो अगर रिजेक्ट हो रहा है रिजेक्ट होने पे क्या होता 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 है सेल्स का होता है है सेल्स सेल्स रिटर्न रिटर्न का का एंट्री एंट्री तभी ना अगर उसका सेल एंट्री हुआ हुआ है तो सेल एंट्री हुआ था बट देखो ना कैंसिल हो जाता है ना इस तरह से तो जो पेन मैंने सेल ही नहीं किया क्योंकि मैंने तो सेल कैंसिल कर दिया था क्या उसका रिजेक्शन के लिए सेल्स रिटर्न एंट्री डाले या नहीं डाले बोलो सेल का एंट्री नहीं है तो सेल रिटर्न का एंट्री भी नहीं आएगा नहीं आएगा और यहाँ पर सेल का एंट्री इसीलिए आया ना क्योंकि सेल्स का एंट्री पहले कैंसिल कर दिया था तभी तो आया तभी तो आया देखो प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो मैंने कस्टमर के पास ही रखा हुआ है लेकिन पहले हम बोल रहे थे कस्टमर को सेल किए हैं क्रेडिट सेल के तरह अभी बोल रहे हैं नहीं नहीं क्रेडिट सेल नहीं है कस्टमर के पास मैंने स्टॉक रखा हुआ है कस्टमर के पास मैंने स्टॉक रखा हुआ है अब उस स्टॉक में से अगर कुछ बिक रहा है मान लो तुम्हारा गोडाउन का स्टॉक में से कुछ बिक रहा है तो तुम लोग सेल का एंट्री नहीं करोगे गोडाउन में जो स्टॉक है है उससे कुछ बिक रहा तो सेल का एंट्री करोगे गोडाउन के पास है, ऐसा सोच है कस्टमर के पास जो स्टॉक है वो बिक रहा है तो एंट्री करेंगे क्योंकि हम लोगों ने तो पहले कस्टमर को जो चीज दिया था अप्रूवल बेसिस पे सोचा की सेल हुआ है ना फिर सोच रहा है की नहीं सेल नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे स्टॉक है तो कस्टमर के पास मेरा जो स्टॉक है वो बिक रहा है तो सेल

तो इसका कोई एंट्री नहीं होना चाहिए ठीक है आई होप कि समझ में आया है अगर नहीं आया तो बोलो हम फिर से बता देंगे अगर आया है तो ये मेन क्वेश्चन का आंसर मुझे दे पाओगे तो तो बोलो expiry approval period. जब approval period expire हो गया तो हम कौन सा करेंगे करेंगे सिर्फ जो approved हुआ है उसका क्योंकि सेल का एंट्री हमारा कैंसिल हो चुका था सेल का एंट्री हमारा कैंसिल हो चुका था तो अप्रूवल का एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा बोलो जो सेल हुआ उसका एंट्री हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स ठीक है और जो अनअप्रूव्ड हुआ उसका कुछ एंट्री करने का जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तो क्लोजिंग स्टॉक से ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दुड से उसका सेवेंटी फाइव परसेंट कितना होगा कितना होगा ये तो कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा ना, One... cost of हाँ लेकिन रिकॉर्ड किसमें करेंगे ये बोला है कि 75% परसेंट ऑफ गुड्स मतलब क्या वो कॉस्ट में रिकॉर्ड होगा मतलब हम लोगों ने कॉस्ट भी तो निकाल रखा है ना कॉस्ट कितना निकाला है वन लैख लेकिन सेल का एंट्री क्या वन लैख का सेवेंटी फाइव परसेंट से करना चाहिए या वन लैख फिफ्टी का सेवेंटी से करना चाहिए ये बोलो है 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 ना देखो ये obviously बोला है, 75 of the cost of goods, लेकिन sale का किस से है? Sale का किससे होता करें या कॉस्ट करे, प्राइस से करे ये तो एक लैंग्वेज बताया है कि कितना सेल हुआ है जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स बिका था उसका कॉस्ट जितना है उसका सेवेंटी 500 जितना होता है उतना सेल हुआ है, ठीक है? मेरे पास पांच पेन था, उसमें से दो पेन सेल हुआ है, लेकिन एंट्री किससे करेंगे? 12 रुपए से कि 10 रुपए से? एंट्री किससे करेंगे? 12 रुपए से कि 10 रुपए से? उसी तरह से यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर किससे करना चाहिए? सेल प्राइस से होगा। सेल प्राइस से ही होगा सेल करते हैं तो सेल प्राइस में ना प्रॉफिट में ही सेल करेंगे कॉस्ट में क्यों करेंगे कर सकते हैं कॉस्ट में लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोलना चाहिए नॉर्मली लोग कॉस्ट में बेचते नहीं है देखो कॉस्ट में कब बेचेंगे हम लोग जब हमारे पास हमारा ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो प्रॉफिट लगा के बेचने के काबिल नहीं होगा ठीक है लेकिन हम लोग का तो ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में तो हम लोग जो नॉर्मल रूल्स है यानी हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं सेल करके तो ये कितना हो जाएगा वन लैख टाउजेंड है ना 1, 12, 500. इतने का सेल रिकॉर्ड हो जाएगा ठीक है तो इतना हम लोगों का एक्सेप्ट हो गया सेल और बाकी रिजेक्ट हो जाएगा जो रिजेक्ट हुआ उसका वैल्यू बोल सकते हो कितना होगा ये नॉलेज के लिए पूछ रहा है जो रिजेक्ट हो गया वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है उसका वैल्यू क्या होगा उसका वैल्यू किस में करेंगे क्या कॉस्ट में करेंगे कि सेल प्राइस में करेंगे जो मेरा दो पेन नहीं बिका था उसका वैल्यू क्या बताएंगे दस रुपए करके है कि बारह रुपए करके है दस रुपए तो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो नहीं बिका उसका वैल्यू किस पे लगाएंगे उसका वैल्यू हम लोग कितने पे लगाएंगे बोलो कितने पे लगाएंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट हो रहा है क्या सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव हाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट हो रहा है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट अब कितना लगाना पड़ेगा बोलो या फिर ऐसे कर लो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड में से वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सेल हुआ तो कितने का सेल रिजेक्टेड हो गया थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ना इतने का सेल रिजेक्टेड हो गया बट इसको अलग से रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको एज ए क्लोजिंग स्टॉक दिखा चुके हैं इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं ना ये रिजेक्टेड है रिजेक्टेड सेलिंग प्राइस पे है ना लेकिन ये हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है 1 lakh का है ना वन क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है तो इसका मतलब अगर कॉस्ट देखो तो 1 lakh का 75 मतलब 75, का मतलब सेल हुआ नॉट अ सेल वैल्यू ये कॉस्ट वैल्यू है ठीक है तो हम लोग को सेल रिकॉर्ड करना चाहिए तो हम लोगों ने सेल रिकॉर्ड कर दिया वन लैख ट्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और जो रिजेक्ट हो गया रिजेक्ट तो पहले ही पता था ना देखो रिजेक्ट होगा कि सेल होगा कंफ्यूजन था तभी तो पूरा स्टॉक दिखा दिए अब ये स्टॉक में से इतना सेल हो गया जो नहीं हुआ उसको कुछ नहीं करना है गोडाउन में पड़ा हुआ है लेकिन अभी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है लेकिन कस्टमर वो वापस देके जाएगा रिजेक्ट कर दिया ना वो वापस देके चला जाएगा अच्छा फोर्थ नंबर देखो एस लिमिटेड सेंड आउट सीट्स गुड्स टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स मतलब जो है कैजुअल सेल एंड

100 में खरीदते हैं और बेच देते हैं 250 में ऑन सेल और रिटर्न बेसिस डेबिटेड टू हिज अकाउंट ऑफ दिस गुड्स 31 मार्च 2020 50 वेयर रिटर्न 31 मार्च को 50 गुड्स 200 में से 50 गुड्स रिटर्न हो गया एंड 70 वेयर सोल्ड और 70 बिक गया ठीक है तो फिर भी क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रह जाएगा फॉर द अदर गुड द अदर गुड्स डे डेट डेट ऑफ रिटर्न रिटर्न हैज नॉट एक्सपायर्ड अभी भी एक्सपायर uh, नहीं हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ठीक है अच्छा तो हम लोग सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे हम लोग को एंट्रीज पास करने बोला है सिर्फ थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च का कंडीशन के हिसाब से थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च के कंडीशन के हिसाब से मतलब ईयर एंड में क्या एंट्री होगा तो क्वेश्चन नंबर ये है फोर ठीक है इंड का एंट्री करने बोला है तो ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ठीक है सबसे पहला एंट्री क्या करना पड़ेगा देखो क्या बोला था फिर से देखो सेंड आउट गुड्स टू डीलर तो एस लिमिटेड कंपनी है समझ में आ रहा है मैन्युफैक्चरर है ये अपने डीलर को भेज रहा है सेल और रिटर्न बेसिस पे और सच ट्रांजेक्शन मतलब क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट करना है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू तो थर्टी मार्च टू आने के पहले क्या हुआ टू गुड्स डीलर को दिया गया ठीक है कितना करके एट द रेट ऑफ टू फिफ्टी सेल प्राइस पे ठीक है और ये लोग खुद कितने में खरीदते हैं ये लोग खुद टू हंड्रेड में खरीदते हैं लेकिन हम लोग को एंट्री इसके बिफोर नहीं इस डेट का करने के लिए बोला है तो सेल एंट्री करने का जरूरत नहीं है ठीक है अब उसके बाद क्या बोल रहा है टू फिफ्टी ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट मतलब वही एंट्री कर दिया है इन्होंने बोल रहा है कि एंट्री कर दिया है डेबिट कर दिया है कस्टमर का अकाउंट ठीक है और खुद ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल के एंट्री कर दिया है ऑफ दिस गुड्स ये जो गुड्स थे इसमें से 50 वेयर रिटर्न 50 रिटर्न हो गया है ठीक है एंड 70 वेयर सोल्ड वाइल फॉर द गुड्स अदर गुड्स डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट एक्सपायर्ड अभी भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है तो हम लोग को एंट्री पास करने के लिए बोला क्योंकि सेल्स का डेट हमें नहीं दिया हुआ है हम लोग सेल एंट्री नहीं करेंगे रिटर्न का एंट्री कर लेते हैं रिटर्न का एंट्री कर लेते हैं देखो रिटर्न का एंट्री क्या होगा रिटर्न सेल्स रिटर्न डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है तो सेल्स रिटर्न कितना हुआ है फिफ्टी फिफ्टी रिटर्न हो गया है कितने से एंट्री होगा ये बताओ कितने से एंट्री होगा 250 से या 200 से जब कस्टमर रिटर्न करता है तो हम लोग सेल्स को कैंसिल कर रहे हैं तो जितने में सेल किया था उतने से ही कैंसिल करना चाहिए तो कितने से एंट्री करेंगे 250 फिफ्टी एट द रेट ऑफ या एट द रेट ऑफ 200 बोलो 250 250 तो 250 से एंट्री कर देते हैं रिटर्न का तो ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व फाइव हंड्रेड ठीक है रिटर्न का एंट्री कर दिए अच्छा अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा थर्टी फर्स्ट मार्च को फिर से अब हम लोग एंट्री करेंगे जो गुड्स goods... ये देखो 200 में से 50 रिटर्न हो गया तो उसका एंट्री कर दिया क्यूं? सेल का हो गया था एंट्री कर दिया कैसे एंट्री मतलब कर दिया इसलिए वो एंट्री हम लोगों ने नहीं किया रिटर्न का एंट्री कर दिया फिफ्टी और सेवेंटी जो है वो सेल हो गया क्या उसका एंट्री करना पड़ेगा सेल मतलब क्या एक्सेप्ट हो गया उस गुड्स में से टू में से सेवेंटी अप्रूव हो गया क्या उसका एंट्री करना पड़ेगा या फिर उसका एंट्री तो टोटल सेल में ही रिकॉर्डेड हो रखा है बोलो सेवेंटी जो अप्रूव नो एंट्री ना यहाँ पर ये नो no वाला कंडीशन आ गया लेकिन ऐसे भी गुड्स जो अभी तक अप्रूवल नहीं मिला वो कितना है ये रिटर्न ये अप्रूव तो फिर भी कस्टमर के पास अनुव्ड कितना गुड्स पड़ा हुआ है बोलो कितना गुड्स पड़ा हुआ है माइनस 80 यूनिट अब ये 80 यूनिट का सेल क्या करेंगे अब बोल रहा है कि अभी भी डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट येट एक्सपायर्ड ठीक है मतलब अभी भी क्या हुआ है है स्पेसिफाइड डेट नहीं आया लेकिन हमें अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना है ठीक है तो 80 यूनिट का क्या पता सेल होगा कि भी नहीं कंफ्यूजन है ठीक है कंफ्यूजन है हम लोगों का तो हम लोग इस सेल को कैंसिल कर देंगे पता नहीं भाई सेल होगा कि नहीं होगा सेल रिकॉर्ड करेंगे तो जीपी बढ़ जाएगा इसको कैंसिल करो तो कैंसिल करके क्या करें खरीदा था तो इसमें परचेस तो रिकॉर्ड हुआ था तो ठीक है कैंसिल करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो क्योंकि सोचो परचेस किया गया गुड्स का दो ही कंडीशन हो सकता है या तो वो 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 सेल हो हो गया 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 या तो 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 रह रह क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ये यूनिट अगर सेल नहीं है मतलब कन्फर्म नहीं है तो नहीं मान रहे सेल क्योंकि इससे फाइनल अकाउंट पे इम्पैक्ट आता है तो वो वो क्या हो जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा क्योंकि पहले सेल रिकॉर्डेड है तो सेल को कैंसिल करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल कितना 80 यूनिट का 80 इंटू कितना हो जाएगा 250 250 टू फिफ्टी से रिकॉर्डेड था ना तो 250 से ही कैंसिल करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 20,000 अच्छा अब इसी 80 यूनिट को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स डेबिट टू ट्रेडिंग अच्छा अब इसका कॉस्ट ये 80 यूनिट का कॉस्ट बताओ सेल प्राइस 250 था ठीक है सेल प्राइस 250 था कॉस्ट प्राइस 200 था एक एक यूनिट का तो कॉस्ट और एनआरवी तो बोलो कौन सा लोअर है उसी से रिकॉर्ड करना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी जो लोअर है कौन सा टू हंड्रेड कॉस्ट तो टू हंड्रेड से रिकॉर्ड करेंगे तो कितना हो गया सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है ये थाउजेंड हो गया और यहाँ पर वर्किंग नोट बना देते हैं ये एट्टी यूनिट्स कैसे आया टू हंड्रेड टोटल सेल किया था सेवेंटी रिटर्न हो गया था फिफ्टी फिफ्टी रिटर्न हो गया था सेवेंटी अप्रूव हो गया था तो माइनस करने के बाद एट्टी आ जाएगा ठीक है इस तरह से होगा तो सिंपल बात है देखो क्या याद क्या कैसे हमें समझना है फर्स्ट हम लोगों ने ये देखा देखो सिंपल ट्रांसेक्शन हम लोगों ने दो यूनिट बेच दिया था टू करके जिसका एंट्री हमें करने के लिए मना किया था लेकिन अगर हम लोग एंट्री कर देते क्योंकि एंट्री हो चुका है बोल रहे तो यहाँ पर कितना हो जाता तीन जीरो और ये फिफ्टी ठीक है तो फिफ्टी थाउजेंड का सेल हो गया अब बोला जा रहा है कि फिफ्टी रिटर्न हो गया तो टू आ, 50 इंटू टू इतने का रिटर्न हो गया तो रिटर्न कितने का हो गया 12500 मतलब मार्केट से हम लोगों का रिसीवेबल कितना होता माइनस करके देख लेते हैं 50000 माइनस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव अच्छा ठीक है? तो इसका मतलब हो गया ड्रेड का अभी सेल दिख रहा है एक्चुअली में और उसमें से सेवेंटी सेल हो गया ठीक है तो सेवेंटी अगर सेल हो गया तो सेवेंटी इंटू टू फिफ्टी हम जस्ट एक बार समझाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो सेवेंटी इंटू टू फिफ्टी ठीक है ये हो रहा है सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये जो सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सेल हुआ वो तो इसी में रिकॉर्डेड है इसी में recorded है ना क्योंकि ये ये में ही तो ये 70 भी recorded है. तो सेल तो भी है ऑलरेडी हम लोगों ने दिखा दिया इतना उसमें से जो सेल नहीं हो रहा सेवन माइनस करते जाओ में तो सेवनटीन में से हंड्रेड का सेल हो गया है कन्फर्म ठीक है कन्फर्म सेल इतना हो गया है अदर गुड्स जो है उसे रिटर्न दिखाना है तो ये देखो सेवेंटीन का सेल हो है इसका मतलब यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड का सेल का अभी भी अप्रूवल हमें नहीं मिला इसीलिए से तो तो, तो मुझे लेना है तो नो no एंट्री अगर बोलता है मुझे नहीं लेना है तो रिटर्न जनरेट कर देते लेकिन फाइनल अकाउंट गया अब हम लोग वेट नहीं कर सकते ट्वेंटी थाउजेंड का सेल मार्केट में दिख रहा है बट कंफर्म नहीं है ये तो कोई नॉर्मल क्रेडिट सेल नहीं है भले ही हम लोगों ने क्रेडिट सेल मान के किया है लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होता है सेल होगा ही लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है तो क्या करें फाइनल अकाउंट सही करने के लिए सेल को कैंसिल कर दो इसको सेल मत दिखाओ तो कैंसिल कर दिया ठीक है लेकिन खरीदा था ना उसका कॉस्ट कहाँ दिखा है क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओ ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास है तो यही वाला चीज हमें ध्यान में रखना है इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सब कंडीशन से पूछा जाता है कि स्पेसिफाइड डेट जो है वो बाद में ही आया तब हमें क्या करना है तब होगा थोड़ा टफ ठीक है आसान तो उतना पूछेगा नहीं तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है ठीक है नेक्स्ट दिन बाकी क्वेश्चन और बाकी मेथड्स करेंगे आज यहाँ तक ही करते हैं तुम लोग इसी को घर पे एक बार प्रैक्टिस करो